अरे हाँ, वो बिहारी भैया का बेटी है ना पिंकी, वो बीडियो का प्रीलिम एग्जाम पास कर गई है। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो। ही देखो हमरा बेटा पास हो गया सब बस। अरे ठीक है ना। अरे भौजी किसना भी तो एग्जाम दी थी ना, क्या हुआ उसका? दीदी दीदी रिजल्ट का क्या हुआ? पास हो गए। माँ दीदी पास हो गई। चुक चुक जियो। 2,000 रुपया वो भी शाम तक? माँ वो हमको कुछ बात करना है। चंचल क्वेश्चन बैंक तो दिखाओ। ये है, तुम भी पढ़ो, बहुत मदद मिलेगा। हमको नहीं चाहिए क्वेश्चन बैंक, हम किताब से सब पढ़ लिए हैं। अब तीनों खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, चलो अंदर। दीदी ये तो सिर्फ 175 रुपया है। कृष्णा हमारे पास तो बस इतना ही है, 75 रुपया। कृष्णा क्या है ये सब, क्या कह रहे हैं? तुम इनसे किताब उधार लेके आई हो, वो भी पूरे 2,000 रुपये का? भैया कृष्णा दीदी वीडियो के प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर ली है और अगले सप्ताह मेंस का एग्जाम है, उसी की तैयारी के लिए दीदी क्वेश्चन बैंक लेके आई है। तुम चुप रहो, मैं बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हम सोचे थे कि पैसा का व्यवस्था खुद से कर लेंगे। खुद से कर लेंगे? तुम क्या कोई अफसर हो या घर में खजाना पड़ा है? बताओ एक किताब के लिए इस लड़की ने 2,000 रुपये का उधार कर लिया। चल किताब लौटा इनकी। कहाँ गया किताब, हम यहीं तो रखे थे। देखिए ये सब नाटक मत कीजिए, या तो पैसा दे दीजिए नहीं तो हमारा किताब। सच कह रहे हैं, हम किताब यहीं रखे थे। लो निकालो अब 2,000 रुपया। नालायक तुम्हारी वजह से घर के दरवाजे पे कोई तगादा करने आ गए, आज तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब निकाल दे। अबे क्या रही सब, पूछिए अपनी लाडली बिटिया से। अरे भाई कोई बताएगा अभी के क्या हुआ? पापा कृष्णा बीडीओ के प्रीलिम का एग्जाम पास कर ली है। क्या? हाँ कृष्णा ने इम्तिहान पास कर लिया? हाँ और इसका मेंस का एग्जाम जल्दी है, उसी का तैयारी के लिए कृष्णा को कुछ नोट्स चाहिए था तो वो शर्मा कोचिंग सेंटर जाके नोट्स ले आई। ये वहीं से आए हैं, उसका पैसा मांगे। बहुत पैसे वाली बनती है और 2,000 रुपए के लिए चोरी करने पर उतर आई। चोरी? अब कौन सा चोरी, हम तो ये किताब पढ़ने के लिए लाए थे। बस बस हमारा मुंह मत खुलवाइए वरना चाची जी को बहुत बुरा लग जाएगा। विद्यापति जी किताब लेने तो बेटी को भेज दिए लेकिन अपना औकात नहीं बताए। ये लीजिए आपका किताब, पिंकी दीदी चुरा के लेके गई थी और आप लोग कृष्णा दीदी को डांट रहे थे। ये लीजिए भाई साहब। रुको चल चल, इस किताब का दाम कितना है भाई साहब? 2,000 रुपये। 2,000 जी।
क्या कर रहे हैं? ये तो 720 रुपया, 2000 रुपया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप ये ले लीजिए, इसकी कीमत तो 2000 रुपया से ज्यादा है। नहीं पापा, आप ये नहीं करेंगे। माफी चाहते हैं, हमारे वजह से आपको तकलीफ हुआ। पापा आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्वेश्चन बैंक ना हुआ तो ना सही, हम ये किताब को दिन रात एक करके पढ़ेंगे पापा, और अगर पास नहीं भी किए तो जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। जिंदगी का सांस लेने के नाम है तो सांस चलता रहेगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा, महसूस करना खत्म हो जाएगा, उम्मीद खत्म हो जाएगी। पापा हम आपको हारने नहीं देंगे।